27 के साथ रहने चंदी और तू दूसरी शादी करा, दो बेटे भी तेरे, याद करे रात न रो है अगर माँ 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 हद होंगी। दो मिनट तीसरी मिनट में तो चली गई थी वह। और थाने में गवा कितनी देर रुके रहे? वो तो कह रहे थे हमने 5 घंटे बिठाए रखी, लेकिन हमने उसने मेरे ऊपर दूसरी शादी का आरोप लगाया। मैंने कहा तू साबित करके दिखा, लिविंग उन्होंने बना लिया। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज फिर पहुँचे हैं कासंडी गांव में, जहाँ पिछली वीडियो में आपने देखा होगा काफ़ी वायरल हो रही है। एक सोनिया नाम की औरत जो है 3 बच्चों को छोड़ के और एक बजाना खुरद रिंकू के साथ में भागी हुई है। और यहाँ अभी दोबारा ही सोनू भाई के पास में आए हैं, इनसे पूछेंगे ये थाने में पेश हुए थे, इनके साथ में क्या रहा क्या नहीं, टोटली बातचीत करेंगे और आप तक साझा करेंगे, बताओगे जो है। हाँ जी नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार। जो थाने में बुलाए थे आप भी, सोनिया भी और रिंकू भी था साथ में? ना रिंकू नहीं था साथ में, अकेली थी। फिर रिंकू क्यों नहीं बुलाया पुलिस वाले ने? पता नहीं जी हमने, क्योंकि जो बताया गया हो आपको भी कि उन्होंने लिविंग बनवा लिया कि नहीं बनवाया अभी? लिविंग उन्होंने बना लिया। आप ये देखो जी, 3 बच्चों को और बूढ़ी माँ को ठोकरों में छोड़ कर न ये बच्चे छोटे छोटे माँ का दूध पी रहे हैं और उनको आड़ मिल गई लिविंग की। तो थाने में आके फिर और क्या बात हुई आपकी? उसने मेरे ऊपर दूसरी शादी का आरोप लगाया। मैंने कहा तू साबित करके दिखा, जब मान लूँगा मैं तेरी बात, मैं दम है कि न दम है, बस यही बात हुई थी। और वहाँ कितनी देर मिलने दिया आपको? हद होंगी 2 मिनट, तीसरी मिनट में तो चली गई थी वह। और थाने में गवा कितनी देर रुकी रहे? वो तो कह रहे थे हमने 5 घंटे बिठाए रखी, लेकिन हमने वारी पता चला था। 5 घंटे बिठाए रखा सोनिया को और आपको बुलाया तक नहीं, फ़ोन तक नहीं किया? ना फ़ोन तक नहीं किया, लेकिन हमने 4:30 बजे पता चला था जब हम गए थे वहाँ से। तो थाने वाले ने बता दिया आपको, पुलिस वाले ने, कि जिन्होंने लिविन बनवा रखा है? हाँ, सुमित ने दिखाया था कि भाई ये तो लिविन डिग्रेशन बनवा रहे हैं, अब वो अपनी मर्जी तरह रही है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया ना दूसरी शादी का, लेकिन वो साबित उसने करके दिखाना पड़ेगा। उस फोटो उसका उसी का देखा होगा आपने, अगर नहीं दिखाया? हमने तो आज तक देखा नहीं था, लेकिन उस पर फोटो जरूर लग रहा था एक आदमी का, हमने देखा नहीं आज तक। वो याद कर रहे रात न रो है अगर माँ माँ माँ। उसने जो है आरोप लगाया शादी का किसके साथ में करेगा, आपने बताया नहीं कि भैया तू शख्स को सामने लाओ या कोई फुटेज फोटो वगैरह सामने लाओ हमारे? मैंने कहा था मैं तू साबित करके देखा, बस यही बात हुई थी हमारी। मैं इसके साथ रहने चंदी और तू दूसरी शादी करा, दो बेटे भी तेरे, मैं तू साबित करके दिया जी, तो मैं काम करूँ था और साबित करके तो दिखा, चाहे किसी गाँव वाले से कलवा के दिखा या पड़ोस या गली में किसी से कलवा दे, अगर ये दूसरी शादी कर रहा है, मैं ये बात तो आरोप लगा नहीं, साबित तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि एलिगेशन लगाना बहुत आसान है और उसको सबूत के साथ प्रूव करना बहुत मुश्किल बात है। और जी बहन जी, थाने में आप भी गए थे वहाँ? ना जी, हमने तो बेरा नहीं, हम तो नहर ना जाए थे, इन बड़का ने भी लेकर जाए थे, मैं देखो आड़ रखने वाला कोई नहीं था, हमने नहीं बेरा इस बात को, हमने बेरा पट्टे। ये बेबुनियाद बातें हैं जी, क्योंकि थाने में जो 5 घंटे और रह गई है और जो है इनको बुलाया सिर्फ 2 मिनट के लिए और इतना बताया ये तो इसके साथ ही रहेगी, इनको थाने में आगे स्पेशल बोल गई है अगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और मैंने उसके साथ लिविंग रिलेशन जो है सर्टिफिकेट बनवा लिया है। और जो है पुलिस वालों की ये मिली भगत कहें या घूसखोरी कहें, क्योंकि 5 घंटे से इनकी मिसिज सोनिया इनके बच्चों की माँ थाने में बैठी है, क्या इतना भी इसके साथ में तनातनी है, कोई विवाद है तो बच्चे के साथ में थोड़ी है, अगर चाहते थे बच्चों को बुलवा लेती, मिलवा देते। जो लड़की है उसके माँ बाप को तो बुलाना चाहिए ना, जिसने उसको जन्म दिया, पाड़ा पड़ोसा, फिर उसकी शादी करी, कम तम इतना तो होगा कानून को कि उसके माँ बाप बुलाए जाएं। कल को अगर भगवान ना करे वहाँ जा कर बच्चे हो गए, अगर उसको ले जाने वाला शख्स मुझे नहीं पता कौन है कहाँ का है, खाली बताया जा रहा है रिंकू है, मैं उसके घर पे भी गया हूँ, पता नहीं वही रिंकू है कोई और है,
भाई एक चीज़ और जरूर देखना, अगर अपने स्वार्थ को त्याग करते हो, अपने स्वार्थ का त्याग करते हो ना, तो इन बच्चों का फ्यूचर है आपका जो है स्वार्थ त्याग करने पर। क्योंकि इन माँ के बच्चों की परवरिश होती है माँ से, और माँ चली गई आपके साथ में। इसको जो है गहराई से सोचते हुए आज भी ये बच्चे भी और इनका हस्बैंड भी बेसब्री से इंतजार में हैं, खोए हुए कल को भूल के और आज भी अपनाने के लिए तैयार हैं। हम तो नो चाहो गलती कर दी इंसान ने, लेकिन अपने बच्चा ने संभाल लिया, अगर मैं इसने कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहना था। इस लिव रिलेशन को लेकर के आज जो है सामने पिक्चर देख लिया आप लोग, बूढ़ी माँ भी, तीन बच्चे भी, ये भी, और जो है इसके लिए जो है वीडियो शेयर करते रहना आप लोग। आगे कोई भी अपडेट होगी, कोई फैसला होगा, बच्चे के पास माँ आएगी, जैसी भी कोई अपडेट होगी आप तक पहुँचा दी जाएगी। बने रहिए लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।